तो दोस्तों, करीब 8:25 पर मैं खजुराहो पहुंच गया हूं, जो कि मैंने ट्रेन ली थी वो कुरुक्षेत्र से बनकर चलती है खजुराहो के लिए डायरेक्ट, जो मैंने दिल्ली से इस ट्रेन को लिया था। और ये मथुरा, आगरा, कैंट और ढोलपुर, छतरपुर, झांसी होते हुए ये खजुराहो पहुंचती है। और अब मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, तो अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलता हूं और आगे की अपडेट आपको देता हूं। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने थोड़ा नाश्ता पानी किया है, जिसमें यहाँ पर एमपी का जो प्रचलित फूड होता है, फास्ट फूड पोहा, वो मैंने खा लिया है। और अब मैं खजुराहो टेंपल के लिए निकल पड़ा हूँ। खजुराहो रेलवे स्टेशन से खजुराहो मंदिर की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जिसके लिए मैंने यह ऑटो लिया है, जिसमें करीब 20 रुपये का चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खजुराहो के उस वेस्टर्न जोन में पहुंच चुका हूं, जो कि सबसे प्रचलित जोन है यहां पर खजुराहो में, जो मंदिरों की श्रृंखला है। और इस वक्त मैं हूं उसी जोन में, वराह मंदिर में, जो मेरे पीछे आप ये अलौकिक मूर्ति देख रहे हैं, ये वराह मंदिर के अंदर की मूर्ति है। और मैंने जो आपको इससे पहले विजुअल दिखाया, वो उसी वराह मंदिर का था। और दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ लक्ष्मी मंदिर पे, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये लक्ष्मी मंदिर है और ये भी खजुराहो के इस वेस्टर्न जोन के जो मंदिरों की श्रृंखला है, ये उसी में पड़ता है। तो एकदम मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, वो लक्ष्मी मंदिर है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है, जिसे पहले खजूरपुरा या खजूरवाहिका के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो में मंदिरों का एक बड़ा समूह है, जो कि हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्हें देखने देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। खजुराहो के मंदिर की कला बहुत ही आकर्षित करती है। इन्हें पूरी दुनिया में मिलने वाले पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पर संभोग की कलाओं को भी बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। आज के समय में यहाँ के 30 मंदिर ज्ञात हैं।
आइए जानते हैं खजुराहो मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। खजुराहो मंदिर की कलाकृतियों और भव्य छतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ परिवार, अप्सरा और सुंदरियाँ भी हैं। मंदिर के अंदर सभी कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तरह से बने हुए हैं कि कमरे की खिड़कियों से रोशनी पूरे मंदिर में फैलती है। दूर से देखने पर खजुराहो के मंदिर ऐसे दिखते हैं कि जैसे चंदन की लकड़ी से बने हों, जबकि यह सैंड स्टोन से बने हुए हैं। मंदिर की सभी मूर्तियों में चमक चमड़े से की गई रगड़ की वजह से है। खजुराहो मंदिर को जटिल कुंडलीदार रचना के आकार में बनाया गया है, जो कि अपनी कलाकृतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस वक्त मैं हूँ कंदेरिया महादेव मंदिर में, जो कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उसके वेस्टर्न जोन मंदिरों में यह पड़ता है। और यह बहुत ही अलौकिक मंदिर है और इसकी जो कारीगरी है, इसमें जो कला है, वो उसका कोई सानी नहीं है। इतनी गजब बेहतरीन, और इसीलिए इसे विश्व धरोहर के रूप में संजो के रखा गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं देवी जगदम्बी मंदिर, जो कि खजुराहो के ही वेस्ट जोन में स्थित है यह मंदिर। और ये भी चंदेल वंश के राजाओं द्वारा ही बनाया गया था। इससे पहले जो मैंने इसके विजुअल दिखाए वो इसी मंदिर के थे, जगदम्बी देवी मंदिर। इन मंदिरों की नक्काशी को देखिए, इस कारीगरी को देखते रहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक अद्भुत कारीगरी का ये नमूना है, और जितना भी इसको देख रहा हूँ उतना लगता है कि कुछ भी नहीं देखा। और क्या उस काल में इस प्रकार की कारीगरी थी? और इस वक्त जो मैंने आपको मंदिर का दर्शन कराया और आपको इसके जो विजुअल दिखाए, दृश्य दिखाए, वो है चित्रगुप्त मंदिर, जो कि खजुराहो में ही वेस्टर्न जोन में पड़ता है। और कारीगरी का एक नायाब नमूना समझिए इसको, कि उस वक्त किस प्रकार की कारीगरी थी कि जो अब एक तरीके से विलुप्त हो चुकी है।
और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मंदिर दिखाया यह है विश्वनाथ मंदिर, जो कि वेस्टर्न जोन में ही खजुराहो में पड़ता है। और बाकी मंदिरों की तरह ये इसकी भी कारीगरी एकदम बेहतरीन अद्वितीय कारीगरी है। तो दोस्तों, मैंने जो खजुराहो का वेस्टर्न जोन है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें करीब 10-12 मंदिर हैं, और जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो 12वीं शताब्दी के ही बने हुए हैं। चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने ही ये बनवाए हैं, और इनकी कला आपने देखी, इनकी कारीगरी आपने देखी कि क्यों इनको विश्व धरोहर के रूप में संजोकर रखा गया है, वाकई रखा गया है। और अगर आप भी इतिहास से जुड़ी चीज़ें देखना चाहते हैं, अपने भारत को, अपने देश को समझना चाहते हैं, संस्कृतियों में कैसे बदलाव हुआ ये सब देखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह ज़रूर घूम फिर कर आना चाहिए और इतिहास के हर किस्सों को करीब से जानना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि क्यों भारत का इतिहास इतना विशाल है और इतना अद्भुत है और इतनी विविधताओं से भरा हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ कामुकताओं की ही मूर्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है। असल में ये जो तस्वीरें, मूर्तियाँ हैं, ये आम जीवन को दर्शाती हुई हैं, और इसमें हर प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो काम करते हुए, गुस्से की, मोहब्बत की, अपने जीवन में जितने भी कार्य इंसान करता है उन सब से जुड़ी हुई इन्हीं मूर्तियों के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से आम आदमी के जीवन में उनकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार से पूरी होती है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी, और अगर आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही रोचक इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।